स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत में दशहरा कार्यक्रम में सीएम धामी की ललकार, उत्तराखंड को नहीं बनने देंगे अपराधियों की शरणस्थली, कहा अपराध करने वालों को भेजा जाएगा जेल। नैनीताल के रातीघाट में मंत्री अजय टम्टा ने की अधिकारियों के साथ बैठक, कैंची बाईपास को लेकर हुई चर्चा, कहा जल्द ही किया जाएगा डामरीकरण का कार्य। काशीपुर में 15 अक्टूबर को होगा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा होंगे मुख्य अतिथि, फैल रही कुरूतियों को खत्म करने के लिए सम्मेलन का आयोजन। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह की सख्ती का दिखा असर, सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाना, शराबियों को पड़ा भारी, 75 लोगों का किया चालान। और उधम सिंह नगर में एक युवक के घर में घुसकर परिवार पर किया हमला, घर में मौजूद नाबालिग को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चले खबरों में बढ़ते आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी उपस्थित रहीं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र निम्बूवाला देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। और चाहे वो सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसके उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं, हमारी मातृशक्ति बनाती है, उसके स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उनकी क्वालिटी इतनी हाई है कि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत बार मैं बहुत जगह कहता हूं कि जब हम हमारे यहां के उत्पादों को देखते हैं, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को देखते हैं, तो सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे भी अच्छा उत्पाद हमारी जो है बहनें बनाती हैं। और यही कारण है कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं उनकी मांग भी बढ़ रही है, उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है और उनकी कीमत भी बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो अब आगे बढ़ रहा है। और सच में आत्मनिर्भर भारत के सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का काम, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम अगर सच में कोई पूरा करेगा, सच में कोई उसके सारथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे या सहयात्री बनेंगे, तो वो सब आप लोग जो बड़ी संख्या में मेरे छात्र और छात्राएं आई हैं, प्यारे विद्यार्थी आए हैं, वह सब इसके सहयोगी, सारथी और गंतव्य के साथी बनने वाले हैं, सहयात्री बनने वाले हैं। और यह अमृतकाल उन्हीं को समर्पित है, आने वाले 25 साल उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं को उन सपनों को साकार करना है जिन सपनों को हमारा देश देख रहा है, भारत देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। 2047 में भारत विकसित भारत के साथ साथ दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, सिरमौर भारत बनेगा। और आज इस सपने को पूरा करने में जो सपना हमारा आगे बढ़ रहा है, भारतीय जो मानक ब्यूरो है इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप, जैसी पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के उत्पादों की मांग है उसके अनुरूप तैयार करते हैं, तो न हम केवल उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी एक सशक्त जो आधार है वो आधार प्रदान करते हैं। क्योंकि वैश्विक बाजार में उसी की मांग बढ़ेगी, उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जो मानकों के अनुरूप हर जगह पर अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा होगा या सब में अच्छा होगा, सब में अच्छे स्टैंडर्ड होंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी बढ़ेगी और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीधे सीधे लोग उसका अधिकाधिक उपयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य
कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल स्थापित करे, एक अलग पहचान स्थापित करे। उसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड होना, अच्छा होना, हर प्रकार से मानकों में फिट बैठना, यानी कि उन्नत प्रकार के मानक होना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22,000 से भी अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। और भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, एक सुंदर प्रदेश होने के साथ ही देवभूमि है। और हर स्थान पर देवों का निवास है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। अपने आप में पूरे विश्व के अंदर जो एक विशिष्ट स्थान है वो हमारा उत्तराखंड है, जहां हम और आप सब लोग जो है निवास करते हैं, जहां आप और हम सब लोग रहते हैं। किसी को यहां पर भगवान ने जन्म देकर ये कृपा करिए, और जिसने जन्म नहीं लिया है, जो यहां कर्म कर रहा है, उस पर भी भगवान की अति कृपा है, इसलिए वो यहां कर्म कर रहा है। आज हम औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज देखिए, पूरे राज्य के अंदर हमने जो मिशन एप्पल, इसको एक मिशन के अंतर्गत हमने लिया। तो वहीं नैनीताल के भवाली सेनेटोरियम से राती घाट राष्ट्रीय राजमार्ग हरतपा बैंड से प्रस्तावित कैंची बाईपास मोटर को लेकर यहां राती घाट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि कैंची धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण भवाली कैंची राती घाट आदि इलाकों में जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी से बातचीत की गई है कि एक और सड़क मार्ग बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जाम से निजात पाने के लिए यहां एनएच के साथ बातचीत और सर्वे किया गया है। सेनेटोरियम से रातीघाट बाईपास का पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है, जल्द ही डामरीकरण किया जाएगा। बहुत समय से, लंबे समय से लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और पर्यटकों का और तीर्थाटकों का लगातार कैंची धाम आने की वजह से आगे हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जो कनेक्टिंग है वो घंटों घंटों तक लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। बहुत कष्टदायक स्थिति हो रही है। पहले भी हमारे एनएच विभाग के द्वारा इस पर कई बार सर्वे की गई है और कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। आज भी उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए हमने NH-57 एक्सटेंशन, जो टू लेन है, जो जोरीकोट से लेकर खैरना तक है, इसके कनेक्टिंग के लिए अल्टरनेट रोड के लिए जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयासों से जो हमारा सेनेटोरियम का जो पहला चरण था, काम था दोनीखाल तक, वो लगभग 8 किलोमीटर का काम हमारा चल रहा है। अगले कुछ महीनों में उसका डामरीकरण का काम भी खत्म हो जाएगा। वहीं काशीपुर अग्रवाल सभा समिति ने 15 अक्टूबर को रामनगर रोड स्थित रामलीला सभागार में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उधर आज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। समिति के मंत्री संयोजक अभिषेक गोयल ने बताया कि 15 अक्टूबर को रामलीला परिसर में रात 8 बजे से अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश में फैल रही कुरूतियों को खत्म करने के लिए अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं।
चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बताते चले कि लगातार रोटरी क्लब ऋषिकेश ने दिवाली और डांडिया को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं ने डांडिया के विभिन्न गानों पर यहां नृत्य किया। अध्यक्ष तनु जैन ने महिलाओं का आभार भी जताया। इस तरह के कार्यक्रम होने से आपस में मिलने जुलने का समय मिलता है। तनु जैन की ओर से ये कहा गया, हमें इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन लगातार इसी तरह से करते रहने चाहिए। तो रोटरी क्लब ऋषिकेश ने दिवाली और डांडिया को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं कश्यप समाज के लोगों के साथ महर्षि कश्यप विकास समिति के अध्यक्ष सोनू कश्यप सैकड़ों समर्थकों के साथ भीम आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कश्यप समाज के कई लोगों ने भीम आर्मी की सदस्यता ली। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर के नेतृत्व में उनकी पार्टी सर्व समाज के हित में कार्य कर रही है, जिससे लोग प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं भीम आर्मी में शामिल हुए कश्यप विकास समिति के अध्यक्ष सोनू कश्यप ने कहा कि वो भीम आर्मी की नीति और कार्यों से प्रेरित होकर भीम आर्मी में शामिल हुए हैं। बस हमें आपसे यही निवेदन करता हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के द्वारा मुझे आज जिम्मेदारी दी है कि जिला महासचिव की, और मैं आज से पहले कभी भी कोई किसी पार्टी में नहीं रहा, विभिन्न संगठनों में रहा जिसमें हिंदू संगठन भी रहे और अपने कश्यप का भी रहा, मगर मेरी जो विचारधारा का जो मेरे समाज के लिए कार्य करता है, तो मैं सबसे प्रथम सोच समझकर आज आजाद समाज पार्टी का दामन थाना और जब तक जीवित रहूंगा मैं आजाद समाज पार्टी का कार्य करता रहूंगा। वहीं उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा क्षेत्र में एक युवक ने किसी के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने एक नाबालिग के हाथ में गोली भी मार दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने बारापोर का तमंचा, खोखा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने बताया कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आरोपी ने घर में घुसकर जानलेवा हमला क्यों किया, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार के कोई कानूनी उलझन है तो वो पुलिस की मदद ले सकते हैं। खुद कानून को हाथ में लेकर अपराधी बनने की कोशिश ना करें, यह उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार एसएसपी के आदेशों के बाद सख्ती देखी जा रही है। एसएसपी अजय सिंह की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाना शराबियों को महंगा पड़ रहा है। रायपुर, राजपुर और रानी पोखरी क्षेत्र में पुलिस का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले पर दून पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। 75 लोगों का चालान किया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। कई वाहनों को सीज कर दिया गया है शराबियों के खिलाफ। दून पुलिस का यह अभियान लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। एसएसपी अजय सिंह की सख्ती का यह असर देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाना शराबियों को महंगा पड़ेगा। आपको बता दें चले कि 75 लोगों का चालान किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी गिरफ्तार किया गया और कई वाहनों को सीज भी कर दिया गया।
तो वहीनगर का रहने वाला स्मैक तस्कर गुरुचरण उर्फ मुन्ना नशे का धंधा करने से बाज नहीं आ रहा है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के निकट गुरुचरण को उसके साथी अरुण वर्मा और बालेंद्र साजवान के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने स्मैक और शराब बरामद की है। तस्करी में इस्तेमाल कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तीर्थ नगरी में नशे का धंधा करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और इसी कड़ी में कोतवाली राजेंद्र सिंह को सूचना मिली कि नशा तस्कर गुरुचरण उर्फ मुन्ना अपने साथियों के साथ स्मैक और शराब की खेप देहरादून से ऋषिकेश लाने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए गुरुचरण को उसके दो साथियों के साथ जंगलात बैरियर के पास से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 15.27 ग्राम स्मैक और 20 पेटी शराब पुलिस ने बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि गुरुचरण बार बार जेल जाने के बाद भी नहीं सुधर रहा है। गुरुचरण के खिलाफ ऋषिकेश, रानी पोखरी, रायवाला थाना क्षेत्र में अनगिनत तस्करों के मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार एसएसपी काफी सख्त और सतर्क नजर आ रहे हैं। यहां पर नशा तस्करों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, ऋषिकेश में एक जगह है सर्वेश्वर नगर और यहाँ पे एक बंदा रहने वाला है गुरुचरण उर्फ मुन्ना। ये जो है लगातार यहाँ पे जो है शराब के साथ साथ सूखे नशे की तस्करी में जो है संलिप्त रहता है और ये मामला आज से नहीं, पीछे कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। बार बार गुरुचरण जो है गिरफ्तार होता है और जमानत लेने के बाद बाहर आता है और फिर से जो है स्मैक और सूखे नशे की तस्करी करने लगता है और इसका एक पूरा गिरोह है, इसलिए इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी पुलिस ने की है। लेकिन बार बार जेल जाने के बाद भी गुरुचरण उर्फ मुन्ना जो है ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है और जब भी जमानत लेकर बाहर आता है उसके बाद ही किसी प्रकार से जो है नशे का धंधा करने लगता है। अभी करीब 2 महीने पहले ही इसकी स्मैक के साथ ही गिरफ्तारी हुई थी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार का केस भेजा था और गिरफ्तारी के वक्त इसने पुलिस के साथ काफी अपने परिवार के साथ मिलकर हाथापाई की थी, जिसने इसकी बेटी और अन्य साथियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे। अब जमानत देने के बाद बाहर आया है और पुलिस ने इसको फिर से इसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने 15.27 ग्राम स्मैक और 20 पेटी शराब जो है आरोपी से बरामद की है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहरादून रोड पर जंगलात बैरियर के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है और इसमें तस्करी में इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज किया है। आरोपी ये सम्माल जो है स्मैक और शराब कहाँ से खरीद कर ला रहा था और इसकी सप्लाई कहाँ की जानी थी, इसके संबंध में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी इतना पता चला है कि गुरुचरण के खिलाफ ऋषिकेश, रानी पोखरी और रायवाला थाना क्षेत्र में अनगिनत तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद भी ये सुधर नहीं रहा, पुलिस ने इस मामले में और अब क्या कड़ा एक्शन लेना है इस पर अब हमारी नजर बनी हुई है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया इस नगरी में नशे का धंधा करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। नशा तस्कर जो गुरुचरण है इसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी पुलिस कर रही है, जिससे कि नशे की जो जड़ है उसको पुलिस खत्म कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चंपावत से सीएम धामी ने यहां पर ललकारा है। चंपावत से दशहरा कार्यक्रम में सीएम धाकर धामी की ललकार, राज्य में किसी भी तरह से शांति और खुशहाली को जाने नहीं देंगे, उत्तराखंड को नहीं बनने देंगे अपराधियों की शरणस्थली, अपराध करने वालों का स्थान होगा सीधा जेल, राज्य में धर्मांतरण, अतिक्रमण और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उत्तराखंड में नहीं चलेगा थूक जिहाद, उनके समाज और पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर करना होगा विरोध, इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी, देवभूमि में ये सब नहीं चलेगा, देवों की भूमि है उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, कठोर निर्णय भी लिए हैं राज्य हित में, राज्य में अमन शांति और खुशहाली बरकरार रहे इसके लिए लगातार हम अपनी ओर से कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक याद कर रहे हैं,
ये थूक के आदमी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी। और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमल शर्मा जी, बहुत सीधा सा सवाल आपसे। चंपावत में सीएम धामी ने यहां पर ललकार दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ना तो अतिक्रमण चलेगा ना थूक जिहाद चलेगा, ये देवों की भूमि है, यहां पर कुछ भी इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंचन, बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी हमेशा ही मैं देखता हूं अलग मोड़ पर छोटी मोटी घटनाएं भी हो जाती है सरकार की यहां पर तो उनको बड़े कड़े रूप में लेते हैं और यही सीधा संदेश भी देते हैं। तो चंपावत जो अपनी विधानसभा है वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो शहरा कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है वहां पर सभी को कि जो यहां पर अपराध करेगा ये देवभूमि है, यहां अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और जो अपराध करेगा उनका स्थान सीधा जेल में होगा, जेल के सलाखों के पीछे, और किसी प्रकार का भी कोई इसमें कड़े कठोर निर्णय लिए जाएंगे, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ढिलाई नहीं किया जाएगा। और आज उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण अतिक्रमण और लैंड विवाद के कई मामले अगर यहाँ निकल के बिहार बड़ी कार्रवाइयां भी की गई और इस प्रकार की जो चीजें होंगी तो सतही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और मैं अभी बीच में उन्होंने चाय में और एक लेके थूक का मामला भी यहाँ पर आया था जिसको लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, तो उस सभी चीजों को उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से चेतावनी तक दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं चाहिए, कानून जो अपना कड़े रूप से कार्य करेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि जो है एक देवों की भूमि है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं जो उनके उन समाज के जो लोग हैं उनको यहाँ पर आगे आना होगा और इन चीजों को खुलकर विरोध करना पड़ेगा ताकि इन चीजों की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। कहीं हमने कठोर निर्णय भी राज्य में राज्य हित में लिए और आगे भी लेते रहेंगे क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है कि ये देश है सभी मिलकर भाईचारे से रहें और यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे यहाँ की शांति भंग होगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कमल शर्मा जी। तो राज्य में धर्मांतरण अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालात में। तो चंपावत से दशहरा कार्यक्रम में सीएम धाकड़ की ललकार, राज्य में अमन शांति और खुशहाली इसी तरह से बरकरार रहेगी, अपराध करने वालों का स्थान सीधा जेल होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद यहां पर सख्त नजर आए, उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कह दिया कि राज्य में धर्मांतरण अतिक्रमण और लैंड जिहाद, साथ ही जो ये थूक जिहाद चल रहा है वो हम चलने नहीं देंगे, ये देवों की भूमि है, यहां पर इस तरह का कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके समाज और पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर इसका विरोध करना होगा, समझाना होगा, इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी और अगर इस तरह से कोई भी करता हुआ नजर आया तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राज्य में अमन शांति और खुशहाली को बरकरार रखना है, देवभूमि में ये सब नहीं चलेगा, ये देवों की भूमि है, उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ पे इस तरह के कृत्य न हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही चलने देंगे। उत्तराखंड में हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांति से रहना पसंद करते हैं, बाहर से भी लोग उत्तराखंड में इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ शांति है और यहाँ शांति प्रिय लोग बेहद पसंद करते हैं आना। ऐसे में इस तरह के कृत्य, इस तरह के अपराध यहाँ पर नहीं चलने दिए जाएंगे, ना तो थूक जिहाद के लिए यहाँ पर कोई जगह है, ना ही यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई जगह है। चंपावत से दशहरा कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी की ललकार, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह का कोई भी अपराध यहां पर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।